हेलो, आई एम डॉक्टर राकेश रेडू, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। इससे पहले हमने ब्रेन ट्यूमर, उनके कॉजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियो बनाए थे, जिसका लिंक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में देख सकते हैं। आज मैं उससे आगे जाके, एक स्टेप आगे जाके, आपको पेशेंट के ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट होने के बाद रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। सर्जन का काम केवल ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करके और उसको चैनलाइज करके उसकी ट्रीटमेंट की तरफ ख़त्म नहीं हो जाता। हमें पेशेंट को सोसाइटी में रिहैबिलिटेट भी करना है, उसको जितना अपना मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल स्टेटस पे लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हम कंसिडर कर सकते हैं कि मॉर्बिड सर्जरी है, चैलेंजिंग सर्जरी है, बड़ी सर्जरी है, और कई बार ब्रेन ट्यूमर्स ऐसी जगह पर होते हैं कि उन सर्जरी से एसोसिएटेड पेशेंट को कुछ डेफिसिट भी आते हैं। पेशेंट को किसी लिम्ब की वीकनेस आ सकती है, हेमिप्लीजिया हो सकता है, पेशेंट की आईसाइट जा सकती है, पेशेंट को ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल जा सकता है, और कई तरह के इस तरह के फिजिकल चैलेंजेस पेशेंट फेस कर सकता है। तो इन चैलेंजेस के साथ पेशेंट कैसे कोप अप कर सकता है, कैसे दोबारा सोसाइटी में अपना दोबारा आ सकता है, एडजस्ट हो सकता है, ये भी सब साइमल्टेनियसली हमें चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, वीकनेस और हेमिप्लीजिया को लेकर अगर हम करें, ब्रेन सर्जरी करने के बाद मोस्टली एक बार कोई डेफिसिट अगर पेशेंट को पहले से है, वो थोड़ा एग्रेवेट हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन ओवर अ कोर्स ऑफ 3 मंथ्स इसमें रिकवरी भी आती है। 3 to 6 months हम जो रिकवरी का पीरियड लेके चलते हैं, अगर उस पीरियड के बाद भी पेशेंट को किसी तरह का कोई डेफिसिट है, तो उसमें हमें फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेटिव थेरेपी की हेल्प लेके पेशेंट को मैक्सिमली उसको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकते हैं, उस चीज़ की हेल्प लेनी जरूर चाहिए। इसमें रोल रह सकता है, अगर हम पेशेंट को वॉकर ही दे दें उनको चलने के लिए, एम्बुलेट करने के लिए, पेशेंट किसी स्टिक का सहारा ले सकता है, पेशेंट व्हीलचेयर यूज़ कर सकता है ताकि उसकी मोबिलिटी हैम्पर ना हो। अगर उसको दोनों लोअर लिम में वीकनेस है, वो व्हीलचेयर पे एम्बुलेट कर सकता है। आजकल मोटराइज्ड व्हीलचेयर ईजिली अवेलेबल हैं, जिसके हेल्प से पेशेंट बाहर भी जा सकता है, इवन मार्केट में जाके अपना काम खुद भी कर सकता है। दिस ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ वेलबींग टू द पेशेंट, ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को ऐसा नहीं लगता कि मैं बिल्कुल डिसेबल हो गया हूँ और मैं घर तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गया हूँ। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है, उसका यूरिन का कंट्रोल नहीं है, या उसे बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो उसमें हम यूरोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं। कुछ यूरोडायनेमिक स्टडीज़ करके हम देखते हैं कि पेशेंट को कहाँ तक ब्लैडर के फंक्शन प्रिजर्व्ड हैं या कितने गए हैं, उसके हिसाब से कोई मेडिकल मैनेजमेंट डाल के, मेडिसिंस डाल के हम उसको कितना ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, उस चीज़ की हेल्प हमें लेनी चाहिए। अब हम बात करें कि पेशेंट के मेंटल स्टेटस के बारे में, कि पेशेंट अपने अगर कोई डेफिसिट है एंड ही इज़ इन कंटिन्यूस, ही हैज़ दिस थिंग इन हिज माइंड कि उसको ब्रेन ट्यूमर था, उसकी सर्जरी हुई है और ये ट्यूमर रिकर कर सकता है, या कुछ रेजिडुअल ट्यूमर रह गया है जो कि कभी भी बाद में दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। काउंसलर के पास पेशेंट को भेजना चाहिए जो कि पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, उन्हें सर्जरी सर्जिकल एस्पेक्ट्स के बाद बैक लाइफ में लाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। पेशेंट को इस चीज़ का वो कोई पेशेंट इस चीज़ से डिप्रेस होकर ट्रीटमेंट को भी अपना बीच में छोड़ सकते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। काउंसलर इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि वो पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट में बना रहे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, और जितना मैक्सिमम सेफ पेशेंट के लिए सर्वाइवल और जो भी मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है वो ज़रूर अचीव करे। तो इसमें काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल आता है। कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी हम इसमें डालते हैं, पेशेंट लिटरली सीवियरली डिप्रेस्ड है इसके कारण, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी इसमें बहुत हेल्प करती हैं। लो डोज में वो डाल के पेशेंट को थोड़ा मूड एलिवेट करके उसको लाइफ में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है।
पेशेंट के रेडिएशन के बाद एक बार के लिए बाल उसके गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं, ये चीज़ पेशेंट को बड़ा एक फीमेल पेशेंट को स्पेशली बड़ा अफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए उनको हम रीअश्योर करते हैं कि बाल वापस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली झड़ेंगे। स्किन की बहुत प्रॉब्लम आती है, स्कारिंग थोड़ी सी हो सकती है शुरू शुरू में, रेडनेस, बर्न्स और स्किन का एक्सफोलिएशन, ये होना बड़ा कॉमन है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उन चीज़ों को भी वो किया जा सकता है। मेरा बस यही कहना है कि ऐसी ब्रेन ट्यूमर तो ठीक है, हम अपने सर्जिकल एस्पेक्ट में और उसमें पेशेंट को सर्जरी भी करेंगे, उनको रेडिएशन भी एडवाइस करेंगे, कीमोथेरेपी भी एडवाइस करेंगे, बट इन सब के साथ साथ हमें उसको एज अ एक इंडिविजुअल की तरह भी देखना है कि ये इंडिविजुअल एक अपनी लाइफ भी प्रॉपर तरीके से जिए, सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट भी है वो, और उसको वो कंप्लीट अपना कर सके। तो ये सारे एंसिलरी मेथड्स इस चीज़ में हेल्प करते हैं, इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, को साथ में लेकर चलना चाहिए। थैंक यू।